अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, जनाब क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक अपने अपने घरों में अट्टे कट्टे बैठे हुए होंगे। तो जनाब किधर है स्पाइस लवर्स, चेती चेती आओ जी, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्पाइस लवर्स के नाम। क्यों? क्योंकि आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मजे के, बहुत ही ज्यादा हेल्दी स्पाइसी स्वीट कॉर्न। जी हाँ जी, बहुत ही जल्दी विद इन 2 to 3 मिनट्स ये बन जाते हैं और हर एज का बंदा इन्हें खा सकता है, सिवाय उनके जिनके दांत नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, जिनके दांत नहीं है वो कैसे खा सकते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और चल के देखते हैं कि हमारे स्पाइसी स्वीट कॉर्न किस तरीके से मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने ले लेने हैं 3 कप स्वीट कॉर्न्स। ये मैंने शेजान की कंपनी के लिए हैं, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। बस आपने ये करना है कि आपने इनको छान के इनका पानी अलग कर लेना है। उसके बाद मैंने लिया है 1 टेबल स्पून विनेगर, ये भी नेचुरल का है। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है, आप इसकी जगह मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटली आप पर डिपेंडेंट है। उसके बाद 1 टेबल स्पून सोया सॉस है, ये भी नेचुरल की है। 2.5 टेबल स्पून चिली सॉस, ये भी नेचुरल की है, लेकिन चिली सॉस अगर आप शंग्रीला के इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने फिर 1.5 टेबल स्पून लेना है, क्योंकि दोनों के टेस्ट में अच्छा खासा फ़र्क है। उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर नमक, और 4 टेबल स्पून केचप आप लोगों ने लेना है। यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप लोग ले सकते हैं, मैं 1/2 कप ले रही हूँ क्योंकि 1/2 कप मेरा टेस्ट है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने इस्तेमाल करने हैं अपनी रेसिपी बनाते वक्त। तो चलें चल के बनाते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले जी आप लोगों ने कोई ऐसा बर्तन ले लेना है जो गोल हो, क्योंकि जब आप लोग ये कॉर्न्स को हाई फ्लेम पर इनका पानी जब आप खुश कर रहे हो ना, तो ये उछल उछल कर बाहर आते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि उछल उछल कर बाहर क्यों आते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। अच्छा जी, अब ये मैंने डाल दिया है और मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, बिल्कुल हाई फ्लेम है, और हाई फ्लेम पे ही आपकी बहन इसका पानी खुश कर रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि इसका पानी है कहाँ पर। तो जी ये देखें, आप लोगों को सेंटर में इसका पानी नज़र आ रहा होगा, ये पानी हमने इसका कर लेना है बिल्कुल खुश्क हाई फ्लेम पे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। तो जी देखें, अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और मैंने फ्लेम कर दी है बिल्कुल लो। क्यों? क्योंकि अब मैं इसके अंदर डालूँगी सॉसेज और मसाले, ठीक है जी। अभी 1 by 1 तमाम सॉसेज मसाले मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी। पकाते वक्त आप लोगों ने फ्लेम हाई रखनी है, लेकिन जब आप लोग चीज़ें डाल रहे होंगे ना, तब आप लोगों ने फ्लेम लो करनी है। अब देखिए, मैं इन मसालों को मिक्स कर रही हूँ, तो मैं इनको हाई फ्लेम पे तकरीबन मैंने 20 to 30 seconds के लिए मैंने इन्हें मिक्स किया है, और दोबारा मैंने इसकी फ्लेम लो कर दी है, क्योंकि अब मैंने इसके अंदर डालना है ये केचप। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा पहाड़ बना हुआ है। अब ये केचप चला जाएगा इसके अंदर। आप लोगों ने स्टार्टिंग में 4 टेबल स्पून लेना है, मैं क्योंकि 1/2 कप ले रही हूँ, ये मेरा टेस्ट है, पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा केचप क्यों पसंद है। मेरे घर में कोई भी इतना ज़्यादा केचप नहीं खाता जितना मैं खाती हूँ। तो ये 1/2 कप केचप हमने इसमें डाल देना है, और इसको अच्छी तरीके से तकरीबन 20 to 30 seconds तक के लिए मैंने हाई फ्लेम पे इसको मिक्स किया था अच्छी तरीके से, ठीक है जी। और आप लोगों ने फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने के लिए एक बार मैं आपको बता दें चलूँ कि ये ठंडे सॉरी ये गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो जी गाइज, ये देखें जी, ये गर्म गर्म स्वीट कॉर्न्स मैंने डिश आउट कर दिए हैं। इनकी फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है, कुछ कॉर्न्स पड़े हुए थे तो वो डेकोरेशन के लिए आपकी बहन ने इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो जी गाइस, वीडियो आप लोगों ने देख ली है, अब आप लोगों को यहाँ बताती चलूँ मैं कि भैया स्पाइसेस आप लोग अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। और दूसरी बात जी, जो लोग कह रहे हैं कि हमें देसी घी नहीं पसंद, उसकी स्मेल आती है, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि भाई मैं भी आप लोगों में शुमार होती हूँ, मुझे भी देसी घी बिल्कुल नहीं पसंद जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल। और जब ये हमारे घर फर्स्ट टाइम बन रहा था, मेरी अम्मा जरूर उसके अंदर देसी घी डाल रही थी, तो मैं किचन से भाग गई थी बाहर, और मैंने कहा था कि मैं नहीं खाऊंगी, और इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती ये खिलाया था, और मैं चम्मच को सूंघ सूंघ के खा रही थी कि इसमें देसी घी की स्मेल तो नहीं आ रही, लेकिन ना ही स्मेल आई थी ना ही टेस्ट आया था। तो दैट्स वाई आप लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इसकी स्मेल या टेस्ट आएगा, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि अब आप लोगों ने तीसरी बात ये कि अब आप लोगों ने किचन में जाना है और इसको ट्राई करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर देना है। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों को इतनी सी चीज़ सिखाई, इतनी सी, या मेरी वजह से आपके चेहरे पे इतनी सी मुस्कुराहट ही आई है, अरे वाह इतनी सी मुस्कुराहट ही आई है, या फिर यार आपके मोटीले हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। ये आप लोग को प्यार मोहब्बत होगी मेरे लिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।